तेजी से जनसंख्या में कमी आ रही है चीन के अंदर। जी हाँ, चीन एक ऐसा देश जो एक समय तक ओवर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अत्यधिक होने की वजह से जूझता रहा, आज वही देश उस कगार पे आ गया है कि वहाँ की जनसंख्या ज़रूरत से बहुत नीचे जा चुकी है। अब सरकारें वहाँ पे अपनी जनसंख्या को वापस ट्रैक पे लाने के लिए जिस प्रकार के रास्ते अपना रही है, आज हम उसी पर एक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। आइए जानते हैं क्या है वो नई समस्या और उससे जूझने के लिए चीन आखिर कौन से हथकंडे या रास्ते अपना रहा है। अपनी गिरती जन्म दर के साथ चीन जनसंख्या संकट की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के राजनीतिक सलाहकारों ने इससे निपटने के लिए कई सुझाव दिए हैं। चीन के कई कॉलेज भी देश की इस चिंता को दूर करने के लिए एक अनोखा प्लान कर रहे हैं। देश के 9 कॉलेज चाहते हैं कि उनके छात्र अप्रैल में हफ्ते भर की छुट्टी के दौरान चीन की गिरती जन्म दर पर काबू पाने के लिए कदम बढ़ाएं और प्यार करें। फैन में एजुकेशन ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे स्कूलों ने 23 मार्च को घोषणा करते हुए कहा कि वे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक छुट्टी पर जा रहे हैं। इस दौरान छात्रों को मजा करने का काम सौंपा गया है। जनरली जब भी कॉलेजों से छुट्टी मिलती है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, जब कॉलेजों से छुट्टी मिलती है तो हम क्या करते हैं, हमें होमवर्क मिलते हैं, हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, हमें ऐसी चीज़ें करने को मिलती हैं जो कि किसी न किसी तरह से कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती हैं। बट यहाँ पे कॉलेजों ने हाथ बढ़ाया है अपने देश की समस्या से जूझने के लिए। बहुत ही अनोखा तरीका है बट सही है, हमारी नज़र में सही है। अगर आपकी नज़र में सही है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही नहीं है तो भी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आइए खबर पर वापस चलते हैं। इस 7 दिन की छुट्टी का उद्देश्य छात्रों को प्रकृति से प्यार, जीवन से प्यार और प्यार का आनंद लेना सिखाना है। मियायांग फ्लाइंग वोकेशनल कॉलेज के डिप्टी डीन लियांग गुओहुई ने एक बयान में कहा, मुझे उम्मीद है कि छात्र हरे पहाड़ों और पानी को देखने जाएंगे और वसंत को महसूस करेंगे। यह न सिर्फ छात्रों के अनुभव को व्यापक करेगा और उनकी भावनाओं को विकसित करेगा बल्कि क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को भी समझने में गहराई से मदद करेगा। अब समस्या जब जनसंख्या की हो रही है तो जाहिर सी बात है ये कपलिंग, रिलेशन, पेरेंटिंग ऐसी बहुत सी चीज़ों से होते हुए निकलेगी। तो किस प्रकार से सरकार वहां के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, आइए जानते हैं। शादी को लेकर प्रोत्साहित कर रहा है चीन। चीन में यह घोषणा तब की गई है जब देश में तेजी से गिरती जन्म दर और विवाह दरों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय कंपनियों से लेकर प्रशासन तक लोगों को नए नए तरीकों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसे शादी पर 30 दिनों की छुट्टी देना। चीन एक उभरते हुए जनसंख्याई संकट का सामना कर रहा है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है और सार्वजनिक खजाने पर दबाव बढ़ा सकता है। चीन की आबादी 2022 में 6 दशकों से अधिक समय से पहली बार घटी है। अब देखना यह है कि क्या चीन इस एक्सपेरिमेंट की मदद से अपनी घट रही जनसंख्या दर को वापस काबू में कर पाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक सही तरीका है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चीन इस एक्सपेरिमेंट कर क्या रहा है? चीन इस एक्सपेरिमेंट में ये कर रहा है कि ये अपने स्टूडेंट्स को छुट्टियां देकर इन्हें एक दूसरों से, मतलब पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और कपलिंग जैसी चीज़ों के प्रति मोटिवेट करना चाह रहा है। चीन ने अपने छात्रों को कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करने को कहा है जिससे उनके इमोशनल डेवलपमेंट में मदद हो। क्या है वो तरीके, आइए देखते हैं। छात्रों को छुट्टियों के दौरान होमवर्क भी दिया गया है, जैसे डायरी लिखना, अपने भीतर होने वाले विकास पर गौर करते रहना और ट्रैवल वीडियो बनाना। बयान में कहा गया है कि परिसर से बाहर निकलो, प्रकृति के संपर्क में आओ और अपने दिल से वसंत की सुंदरता को महसूस करो। स्कूल 2019 से ही छात्रों और टीचरों को वसंत में एक हफ्ते की छुट्टियां दे रहे हैं, लेकिन इस साल की थीम एंजॉय द ब्लॉसम गो फॉल इन लव यानी प्यार करें, जिसमें रोमांस पर खासा जोर है। तो यह है चीन का वो एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से वो अपनी घटती जनसंख्या को काबू करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे थे खबर विभाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या चीन का रास्ता सही है। इस प्रकार के वीडियो से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।